वंदे मातरम। सकारात्मक भारत आंदोलन का ये पार्ट टू है। 10 जुलाई 2021 8:30 बजे जो हम प्रस्तुत कर रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो बंद हो गया और सेकंड पार्ट जो है अब तो आगे देखते हैं। जुड़िए आप लोग। जी हाँ, जैसे ही जुड़ेंगे जी। जय हिंद। जी हाँ, सेकंड पार्ट शुरू हो गया है और मैं ऐड कर रहा हूँ सुरजीत सिंह जी को, ताकि यहाँ पे कम्युनिकेशन आरजेएस फैमिली का हो सके। फर्स्ट पार्ट अचानक ही स्टॉप हो गया था तो दोबारा फिर रहा है। हाँ दीदेवा जी, जय हिंद। जय हिंद जी। दीदेवार प्रश्नोत्तरी हो जाए, दीदेवार प्रश्नोत्तरी हो जाए। भाजी कमाल है, ऐसी पूछने वाली क्या बात है। जी 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 चलिए, सबसे पहले तो सर दिल्ली में बारिश नहीं आ रही है, वहां से चर्चा करते हैं। तो ऐसी कोई भविष्यवाणी है कि बारिश के बारे में कुछ आप चर्चा कर सकें? ये बारिश कहाँ तक पहुंची है? आप तो चूंकि आध्यात्मिक गुरु हैं, कुछ देख रहे होंगे कि आखिर देखिए, बिहार में इतनी बारिश हो गई, झारखंड में इतनी बारिश हो गई, दिल्ली में बारिश क्यों रुक गई है? ये विषय अलग है। मैं आपको सभी से यकीन कराता हूं कि मेरे पास एक ऐसा प्रकृति का नियम है जी कि जहां पर बरसात ना हो और वहां के लोकल आदमी मेरी उस थ्योरी को समझ के मेरा सहयोग दें तो बरसात होती है। दिल्ली में आई नहीं तो कल हो जाएगी, मगर जहां सूखा पड़ जाए और महीनों महीनों बरसात ना हो वहां पर हम बरसात लाने के एक नियम जानते हैं, प्रकृति उसे करती है। क्योंकि बार बार दीदेवार ने कई बार इस बात को कहा है कि मानव का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और प्रभाव उसके विचार का और उसके अनुभव का, और जैसा वो अनुभव करता है और समूह जब करेगा तो प्रकृति उसे देती है। मैंने बहुत इस पे बुक भी ले रखी है। और बरसात तो आज नहीं तो कल दिल्ली में हो जाएगी, और दिल्ली वालों ज्यादा बरसात बरसात बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, वो तो हफ्ते में एक दिन हो जाए तो बहुत होती है। और कई सालों से हमने देखा है कि बरसात 4 या 5 बार होती है सारी की सारी, एक आध बार हो चुकी है और 4 या 5 बार हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिल्ली वालों को लिए, इसीलिए कोई नुकसान नहीं है। हाँ बिहार वालों के लिए बाढ़ आ रही है
वो या बरसात आ रही है वो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, या पंजाब में बारिश नहीं आई उनके लिए दिक्कत हो सकती है, पर दिल्ली वाले तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सहूलतों से रहती हैं, तो आज नहीं तो कल हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, ज़्यादा लंबा परेशानी इसके बारे में कोई विचार नहीं। जी मगर मैं जी जी सुमन जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जी 24 तारीख के लिए जी वो महिला के लिए जो करना चाह रही हैं, जी तो जी मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि महिलाओं के प्रश्न जो है ना वो इकट्ठे कर लें, और हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़ी एक विडंबना है, मजबूरी है जी कि अधिकतर महिलाओं को शिकायत अपने मेल से होती है, तो जी वो डिस्कस करती हैं फीमेल से, जी उस फीमेल को, उस महिला को भी वैसी प्रॉब्लम होती है, तो आपस में डिस्कस करके एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेती है, उनके पास समाधान नहीं होता। जी और जब महिला किसी पुरुष से करती है तो पुरुष के बारे में करने के लिए कोई उसके पास स्थान नहीं है, और वो कहां पर अपने घर की बात करे, अपने पति भाई पिता के बारे में जैसा भी कर सकती है। जी तो दीदेवार के पास जब महिलाएं आती हैं, तो मैं जब उन्हें बताता हूं कि जिस नजरिए को आप गलत समझ रही हैं वो नजरिया पुरुष का नजरिया है, उनके पीछे जो भाव है ये है, और जब उन्हें पुरुष का भाव और नजरिया पता लग जाता है तो घरों के अंदर काफी हद तक समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पुरुष का नजरिया जो है वो बुद्धि से होता है और महिला का नजरिया दिल से होता है। सो जो दिल करता है पुरुष का, दिल से नहीं बुद्धि से करता है, इनका तालमेल कैसे होता है, महिला के लिए ये विडंबना है कि वो उसको पुरुष का नहीं मालूम पड़ता, और पुरुष आपस में करता है और महिला के बारे में नहीं पता। तो दीदेवार ने पिछले 10 सालों से ऐसी कई समस्याओं को हल करा है, और मेरा सुमन जी से निवेदन है कि आप महिलाओं से पुरुषों के प्रति जो, या घर के परिवार का कोई भी सदस्य से कोई उनको प्रॉब्लम है, तो मैं सामूहिक रूप से कॉमन प्रॉब्लम समझ के उसका आंसर दूंगा कि उस नजरिए में पुरुष का क्या होता है और पुरुष का क्या चाहता है आपसे, आप वो दे देंगे तो पुरुष की समस्या खत्म हो जाती है। दोनों के विचारों में, दोनों अपनी अपनी जगह से कम 80% सही होते हैं, मगर उनके विचारों को ना समझने से ये परिवारों के अंदर दुविधा हो रही है। ये मैं सुमन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेंगे तो 24 तारीख को मैं इसका समाधान बताऊंगा, जी, और वैसे और भी आज अगर लोगों कोई से प्रश्न है जी तो मैं उसका आंसर देना। लोगों से ये कहा गया है कि आप लोग जो है अपनी अपनी समस्या के बारे में ग्रुप में बताएं और उसका समाधान दीदेवार जी करेंगे। और दीदेवार जी, एक समस्या जो आ रही है समाज में और उसकी अभी चर्चा भी की जा रही थी कि जो समाज है, आपकी नजर से आज से 20 साल पहले का जो समाज था, आज उसमें क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखो, दीदेवार हमेशा 3 नियम की बात करता है, एक है प्रकृति का नियम, और प्रकृति द्वारा बनाया हुआ मानव का अपना व्यक्तिगत नियम, और मानव ने अपने ही विचारधारा से समाज बनाया है। आज से 20 साल या आप 50 साल पहले चले जाएं, 50 साल से पहले पीछे 1000 साल चले जाएंगे तो मानव ने इतनी प्रगति नहीं करी थी, तो इसलिए जनरेशन गैप होते हुए भी उसके अंदर जो संस्कृति गैप नहीं था, थोड़ा बहुत होता था। जब से ये आज से 40 या 50 वर्ष पहले से, और सन 80 के दशक से जब इलेक्ट्रॉनिक्स ने, मानव ने इसका प्रगति करी है, तो ये पूरी दुनिया ये इंफॉर्मेशन आने शुरू हो गई है, और मिलेनियम के अंदर इसके ज्यादा आ चुकी है, तो ये इंफॉर्मेशन जल्दी लाने से ये समस्या है, और समस्या का समाधान सिर्फ यह है कि हमें समय के अनुसार चलना होगा, हमारी उम्र के लोगों को अपग्रेड करना है, जो बच्चा आज आया है वो आज के परिवेश का है, उसके पास हमारा परिवेश का ज्ञान नहीं है, और हम उसे अपने परिवेश का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उसने आने वाले समय के अंदर आज के परिवेश के हिसाब से जीना है, हमें अपग्रेड होना है, और हम अपनी पुरातन 40 या 50 साल की बातें करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपराधी हम हैं, हमारे समय ये होता था, हमारे समय ये होता था। मैं इस बात से बिल्कुल भी इतफाक नहीं रखता, होता था, आज क्या होना चाहिए ये हमारी जनरेशन को देखना है और अपग्रेड करना है कि आज की शिक्षा जो है अपने बच्चे को किस हिसाब से देनी है, वो उसका फ्यूचर क्या होगा, वो आज कोई अंगीठी, गोया, ईंधन, उनकी बातें नहीं करेगा, पर आज वो ऑनलाइन की बात करेगा, तो ऑनलाइन में जैसे आज हम ऑनलाइन तो बात कर रहे हैं, हम अपग्रेड हो गए हैं, और जब हम यहां तक अपग्रेड हो गए हैं तो हमने क्या धोती पहनी हुई है,
क्या खड़ाऊ पहनी हुई है, हर चीज हमने करी है। क्या हमने पैदल चल रहे हैं या ठेले पे चल रहे हैं, हमने गाड़ी स्कूटर मछली रख ली है, हर चीज रख रही है। तो विचारों को हम पुराना को लेके जा रहे हैं, आज की जनरेशन के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो ये समस्या 80% उसी समय खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम उनको समझने के बजाय अपनी वो समझाना चाहते हैं, और वो अपने जिस एटमोसफियर में है उनका एटमोसफियर वो अलग है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी व्यक्ति 40 साल से ऊपर है, वो हर रोज या हफ्ते में एक बार अपने से 20 साल बड़े से बात करे और अपने से 20 साल छोटे से बात करे, कि उसे पुरातन अनुभव भी मिलेगा और नवीनतम अनुभव भी मिलेगा, और वो सबके लिए बैलेंस हो जाएगा, संतुलित करेगा। हर व्यक्ति को बच्चे से भी बैठना है और अपने से बड़े साल से बैठना है, कि विचार कह लेना है, थोपने वाली बात नहीं, कि इनके मन में क्या विचार है। और आज का बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि वो चाहे तो कन्विंस कर सकता है, मगर हम पिता बन के उससे बात करते हैं, हम जैसे वो अंकल बन के बात करते हैं तो समझाता है, हम भी उसका एक मित्र की तरह अपने बच्चों से बात करेंगे तो शायद ये समस्या का हल बहुत आसान हो जाएगा। जी, और आप लोग यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ऐड कर लिया जाएगा। बाकी आपके कोई सवाल है तो दीदेवार जी आपको जवाब देंगे। अगर प्रश्न नहीं है तो मैं एक अपने से ही सबको गाइड करना चाहता हूं जी, बताएं। कि हमारी अभी सभी हम अपने आप से प्रश्न करें, जो भी है व्यक्ति उसको समस्या किस बात की है और किससे है, क्या उसे किसी और जीव प्राणी से कोई समस्या है? अगर है तो उसका समाधान उसके लिए कितना कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। और उसकी समस्या किसके साथ है? उसकी समस्या सिर्फ मानव के साथ है, मानव की समस्या मानव के साथ है। और वो मानव गिनती के कितने हैं? कोई भी व्यक्ति, मैं हम एक्सरसाइज कराते हैं, आने वाले जिस दिन 24 तारीख को एक्सरसाइज भी कराऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ 10 व्यक्ति जो हमारे संपर्क में, चाहे हमारे परिवार के हैं, हमारे व्यवसाय के हैं, हमारे मित्र से हैं, स्कूल से हैं, हमें उन्हीं से ही तालमेल और उन्हीं से कंपटीशन समस्या है। 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, वो कोई कितना अमीर हो गया है, कोई कितना उसको कष्ट है, हमारा उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये 10 लोगों से ही समस्या करते हैं, और ये 10 लोगों को हम 8 करोड़ में मिला लें तो हमारी समस्या का समाधान उसी तरीके हो जाता है। कि ये भी प्रकृति का एक अंश है, जैसे 8 अरब लोग हैं, मैं भी प्रकृति का अंश हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये पारिवारिक रिलेशन है, पर प्राकृतिक नियम के अंदर हम सभी एक प्रकृति का अंश हैं, और अंश का अंश से कोई मतभेद नहीं है। उसको भी प्रकृति ने वो दे रखा है, मुझे भी दे रखा है, मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका प्रयोग नहीं करा, उसने प्रयोग कर लिया है, और मैं भी प्रयोग कर लूंगा तो मुझे मिलेगा। प्रकृति का नियम है कि जिसको प्यास लगी है, जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी। और कोई कहे जी दूध बहुत पौष्टिक है, तुम दूध पी ले, दूध चाहे जल से कितना भी पौष्टिक हो, प्यास बुझाने की गुंजाइश नहीं है, क्षमता नहीं है। सो हमें नियम को फॉलो करना है, और आने वाले समय में प्रकृति का नियम बताऊंगा। और जब हम प्रकृति का नियम व्यक्तिगत रूप से अपनाएंगे तो मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं होगी, और मेरे जीवन में समस्या नहीं तो मैं समाज के लिए सहयोगी होऊंगा, समाज के लिए समस्या नहीं बन पा सकता। और ये क्या नियम है, आने वाले हर प्रश्नोत्तरी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा इसका विशेष अंतर बताऊंगा। जी, धन्यवाद। अभी अभी दीदेवार साहब शकुंतला ठाकुर जो हैं जी हैं, और ये इन्होंने कुछ ऑडियो भेजा है, जरा इसको सुन लेते हैं ये क्या कहना चाह रही हैं। हाँ जी, हेलो। आरजीएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से एक रोचक विचार सुप्रभात। तू पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। आरजीएस सकारात्मक आंदोलन की सफलता में मेरा विश्वास है। सकारात्मक सोच योग गुरु डॉक्टर शकुंतला ठाकुर पटना बिहार। ये एक बार सुन लेते हैं फिर से। ये क्या केंद्र पटना बिहार से एक रोचक विचार सुप्रभात। तुम पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। आज ये सकारात्मक आंदोलन की सफलता में मेरा विश्वास है। जी, ये कुछ ये समझ में आया क्या कहने चाह रही हैं? खैर, वो प्रश्न जो भी थी, वो जो कहना चाह रही हैं, मैं आपको बताता हूं। प्राकृतिक नियम के अनुसार चिंता आपने कहा है कि
पीछे देखती है और विश्वास आगे देखता है, आगे देखता है। चिंता जो है वो जो घटित हो चुका है उसके परिणाम में वो चिंता करती है जी, और विश्वास जो है उसे उम्मीद करती है ये कल ठीक हो जाएगा, अर्थात वो चिंतन जो है उसे भविष्य दिखाती है। जी सो हमें ना तो चिंता करनी है और ना किसी पे विश्वास करना है, विश्वास मुझे स्वयं पर ही करना है जी और जो घटना घटी है मेरे जीवन में उस पे चिंता के स्थान पर चिंतन करना है, और चिंतन करने से मैं इसको समस्या का समाधान कर सकता हूं कर सकती हूं, ये विचार जब आएगा ये स्वयं पे विश्वास होगा तो प्रकृति जो व्यक्ति विशेष स्वयं का स्वामी है प्राकृतिक नियम के अंदर वो उसको स्वामी बना के उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सहयोग देती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब एक किसान गेहूं धान कोई सब्जी बीजना चाहता है और ग्रहण करना चाहता है तो वो तैयार हो जाता है और वो उसी सब्जी का या उसका बीज धरती में डाल देता है, और धरती के अंदर डालने के बाद बीज जब पूरी तरह धरती के अंदर गल जाता है तो धरती ऊपर से सख्त होती है, मगर जब अंकुरित होने की पोषण आती है तो प्रकृति उसे अंकुरित होने में रोकती नहीं है, वो धरती को पोलन करके थोड़ा सा कितना पतला सा वो अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होते होते वो वृक्ष बन जाता है। दूसरी बात, हमारे पूरे मानव जगत को एक समस्या थी आज से कुछ हजार साल पहले कि पक्षी उड़ रहे हैं हम भी उड़ना चाहते हैं, कथाओं के अंदर हमें कुछ इमेजिनेशन के ऊपर तो हमें मिली है पर प्रैक्टिकल तो ऐसा हुआ नहीं है। प्रैक्टिकल किसने करा कि सभी ने कहा पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते, गीत तो गाए गए, अभी हमने कई शायर के भी बातें बानी है तो ये फिल्मी गीत भी हुए, पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते, मगर एक व्यक्ति विशेष ने अपने भीतर अपने चिंतन करके अपने भीतर वो दृढ़ संकल्प करके विश्वास बना लिया कि मैं उनसे ऊंचा उड़ूंगा जिनको पंख मिले हैं, और आज पूरा मानव जगत अपने आप से प्रश्न करे क्या वो उनसे ऊंचा उड़ रहा है जिनको पंख मिले हैं या नहीं। तो हमें किसी समस्या पे रुकना नहीं है क्योंकि प्रकृति नियम से हमारी समस्या प्रकृति ने तो दी ही नहीं है, हमारी समस्या हमारे द्वारा बनाई हुई चीजों से है। मेरी गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी तो मैंने बनाई है, मेरे घर में टीवी खराब हो गया तो टीवी तो मैंने बनाया है, तो मैं उसके पास पैसा ज्यादा है मेरे पास पैसा कम है तो ये पैसे की वैल्यू तो हमने बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई। प्रकृति में किसी और जीव प्राणी में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती कि उनमें बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि मेरे को दी है और बुद्धि से ही मैं अपने मन का विकास कर सकता हूं, और जो जो मानव अपने मन का विकास अपनी बुद्धि के द्वारा करता है उसके जीवन में समस्या नहीं आती, और जो व्यक्ति अपने मन का द्वारा जो उसका नेचुरल वे से बाहर से इंफॉर्मेशन से विकास होता है समस्या सिर्फ उसके जीवन के अंदर आती है। सो आप अपनी बुद्धि के साथ अपने मन का समस्या करें, मन में आपकी हर इच्छा पूरे करने की शक्ति है मगर वो उसके अंदर बुद्धि नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है वो गलत है, वो हर चीज पे चंचल होके करने की कोशिश करता है। हमारे पास बुद्धि होने से हमें ये डिसीजन करना है क्या करना नहीं, और हर समस्या का समाधान है, समाधान है क्योंकि मानव ने उन समस्याओं का समाधान कर दिया। अगर सूरज के पीछे धरती चली गई तो अंधकार हो गया तो क्या मेरे लिए वो अंधकार समस्या बनी या मैंने उसे भी प्रकाशमान कर दिया 24/7 मैं कर सकता हूं, जब मैं इतनी बातें कर सकता हूं तो ये छोटी छोटी समस्या में मैं चिंतन क्यों ना करूं और चिंता क्यों करूं, ये हमें स्वयं के अंदर विश्वास करके अपने अंदर करना है। मैं यकीन कराता हूं और कुछ नियम है कुछ विधि है सभी मानव के अंदर, उसके अंदर उसकी जीवन की समस्या का समाधान करने की क्षमता उस पे है, मगर वो पहले उस समस्या का उस घटना को स्वीकार करे, स्वीकार करते ही वो शांत हो जाएगा, शांत होने से उससे मनन करेगा और फिर समाधान की ओर चलेगा। हम उसे स्वीकार करने के बजाय हम इधर उधर चले जाते हैं, चिंता करते हैं या दूसरे पे विश्वास करते हैं, ये दोनों गलत हैं। विश्वास भी अपने ऊपर करना है और चिंतन भी उस समस्या का खुद करना है। ये प्रश्न जो भी कह रही हैं उनके जीवन से उतर जाएगा, मैं यकीन करा रहा हूं, आज ब्रीफ में बोल रहा हूं, आने वाले समय में इसे विस्तार में बताऊंगा। धन्यवाद जी। महिला ग्रुप की सदस्य हैं डॉक्टर शकुंतला ठाकुर और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंटकर्ता भी हैं। दीदेवार जी, आज रोज आपका दीदेवार सकारात्मक विचार श्रृंखला जारी होता है आरजेएस के द्वारा और सोशल मीडिया पे जाता है और कुछ मीडिया पे तो लाइक जो है वो व्यू जो है वो बड़े अच्छे मिल रहे हैं, यूट्यूब पर व्यूज कम मिलते हैं
लेकिन और सोशल मीडिया है, कई तरह के प्लेटफॉर्म है, एक जगह तो 9,000 के लगभग इसके व्यूज मिले, एक एक ही सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर 9,000 मिले, तो लोग देख रहे हैं, और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये जा रही हैं, कभी 2,000, 5,000, 10,000। तो आज आपका जो रिलीज हुआ है, चूंकि आप हैं मौजूद हैं, तो एक मिनट मेरे ख्याल से कुछ सेकंड का है ये, हाँ ये लगभग 57 सेकंड का है, और रोज आईना में देखते हैं जिसे, कभी उससे भी मुलाकात कर लिया करें। ये आपका विचार है जो टेक्स्ट में है, कंटेंट में है। तो आज आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया फेसबुक फ्रेंड्स को आज दीदेवार जी से हम इसका वृहद व्याख्यान सुनते हैं। रोज आईना में देखते हैं जिसे, रोज आईना में देखते हैं जिसे, कभी उससे भी मुलाकात कर लिया करें, यही है। अब दीदेवार जी आप इसको एलोबरेट करके पहले सुन लेते हैं पहले आपने कहा क्या सुबह। दीदेवार के अनुसार हर व्यक्ति विशेष स्वयं का स्वामी है, और अपने स्वामित्व को भूलकर वो अपने चेहरे पे जो दीदे अंकित है उनसे जिसका दीदार करता है उसी को जीवन का आधार मान लिया, और प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति एक प्रतिक्रिया करता है, एक क्रिया करता है, आईने में अपना चेहरा देखता है, और वो जिस चेहरे को देखता है अर्थात स्वयं के चेहरे को देखता है उसके भी भीतर से दीदार करे, अर्थात स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने। जैसे ही जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को आरंभ करेगा निश्चित रूप से वो जो उसके जीवन के अंदर आनंद 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 आरंभ हो जाएगा। धन्यवाद जी, जी। धन्यवाद जी, जी। ये मैं आपको पहले दीदेवार का कई बार बताया है, हर रोज नए लोग जुड़ जाते हैं। दीदेवार शब्द कैसे आया? दीदेवार ये कहता है कि प्रकृति ने हमें बनाया है और सभी जीव प्राणी को बनाया और मानव को भी बनाया है। मानव को जिस चेहरे पर उसने दीदे अर्थात आंखें दे रखी हैं, वो उस चेहरे का दीदार नहीं कर सकता, अर्थात उस चेहरे को नहीं देख सकता। जाने अनजाने मानव ने इन आंखों द्वारा, इन दीदों द्वारा जिसका दीदार करा, जिसके दर्शन करे, उसी को जीवन का आधार बना लिया और स्वयं खो गया। और ये दीदे पूरे जगत को देखने में सक्षम है, मगर आपस में भी एक दूसरे को देखने में सक्षम नहीं। तो ये दीदे मेरे भीतर एक ज्ञान का दीदा है, जब मैं भीतर देखता हूं तो मैं स्वयं के दीदार करता हूं अर्थात दीदेवार बन जाता हूं। और जब मैं स्वयं रोज प्रतिदिन आईना देखूं तो सेम से विचार करूं मेरे को आज क्या चाहिए, मैं किस दिशा में जाऊंगा। जब मैंने कमीज पे मेरा बटन टूट गया तो मैंने उस बटन को लगाने के लिए उसी के साथ का एक धागा या रंग का लगा के उसे बटन स्टिच कर दिया कि मैं उसके बगैर बाहर नहीं जाऊंगा। जब मैं एक टूटे हुए बटन के बगैर टी शर्ट या शर्ट पहन बाहर नहीं जा सकता और मैं उसी के रंग से टी शर्ट से मैचिंग बटन लगाता हूं तब मैं बाहर जाता हूं। तो मुझे ये सोचना है कि आज मेरे रिश्ते किस किस से हैं, मैं उनको कैसे बनाऊंगा और उस रिश्ते के साथ मेरा क्या संबंध है, कौन सा धागा और कौन सा रंग चाहिए वैसा मैं बना के जाऊंगा तो मैं उस रिश्ते के ऊपर बनाने में निकल पाऊंगा। और आस्ता आस्ता हम देखेंगे कि हमारे कहीं पर भी संबंध है गए हम उनका इलाज करने चले जाएंगे। और प्रकृति का नियम है कि जब मैं जिस चीज को निकल पड़ता हूं दृढ़ संकल्प से उसको पूर्ण करने के लिए प्रकृति सहयोग देगी। ये मानव क्या है कि सामने वाला मेरा परवाह नहीं करेगा, वो मेरी बेइज्जती सम करेगा, वो मेरे लिए क्या सोचेगा, ये उसका मैं सोच रहा है, मेरा मैं नहीं डिसाइड करा कि मैंने अपने जीवन के जो बटन है उनको पूरी तरह अटैच करना है। मैं टूटे हुए बटन से कमीज नहीं डाल सकता तो मैं टूटे हुए रिश्ते के साथ भी नहीं रह सकूंगा, मुझे जोड़ना है। और दो या तीन बार प्रयास करने से वो रिश्ता यकीनन जुड़ जाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उसका अभिप्राय ये था कि हम अपने आप को स्वयं से सभी प्रश्न करेंगे, वो भी देखेगा, वो भी अपने घर से निकलेगा मेरे से संबंध बनाने के लिए, मैं भी अपने घर से निकलूंगा संबंध बनाने के लिए, दोनों के विचार संबंध बनाने में कितना समय लगेगा बिगड़ने के अंदर, और बिगड़ने के अंदर हमारा किससे बिगड़ा है, हमने उसी एक बात से बिगाड़ा है।
और कितने साल, अगर 40 साल हमारे संबंध है तो कहीं तो उसके गुण थे, और उस समय अगर हम उसके गुणों को लिस्ट करेंगे वो इतनी बड़ी होगी, अवगुण की लिस्ट किसी की छोटी हो सकती है, जब हम गुणों का ध्यान देंगे तो उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा और उसके प्रति एक आदर और सम्मान होगा, और जब यह जागृत होएगा वो व्यक्ति विशेष मेरे प्रति भी कहेगा। तो ऐसे थोड़ी 40-40 साल से बंद करें हमने एक दूसरे के लिए, एक छोटी सी बात के लिए हमने कर दिया। हम आज सुबह मैंने नाश्ते में क्या खाया है मुझे वही हजम करना होगा, मैंने अगर परोंठा खाया है तो परोंठा हजम करूंगा, मैंने ब्रेड खाई है तो मैं ब्रेड हजम करूंगा। तो ये सुबह आईना में पूरा डिसाइड कर ले कि आज मुझे क्या खाना है, दूसरे व्यक्ति विशेष की बुराई खानी है या उसकी विशेषता खानी है। मैं अगर बुराई खाऊंगा तो मेरे जीवन में बुराई वाला आएगा, जहर आएगा और बीमार हो जाऊंगा, जीवन मेरा बीमार हो जाएगा। अगर मैं उसके गुण लूंगा तो मैं गुण से ताकतवर हो जाऊंगा और मेरा जीवन भी ताकतवर होगा। डिसीजन मुझे है कि मैंने जो नहीं खाया वो हजम नहीं करना और जो खाया उसे ही हजम करना है। और हम दूसरे में बुराई देख रहे हैं तो जीवन में अरे बुराई आ रही है, मैं दूसरे में गुण और अच्छाई देख रहा हूं तो मेरे जीवन में गुण और अच्छाई आ रहे हैं, ये मेरी शक्ति है, ये अनुभव है। इसलिए रोज सुबह उठने के पहले, जब आदमी अपने से घर से बाहर निकलने से पहले ये कार्य करेगा, निश्चित रूप से वो अपना तो जीवन सफल करेगा, समाज का भी सहयोगी होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और सभी को इसी अपने अनुभव से बांट रहा हूं। धन्यवाद जी, बहुत अच्छे विचार हैं और दीप माथुर जी ने इंडोर्स किया है, बोले हैं कि दी देवार जी के विचार बहुत अच्छे हैं, मार्गदर्शन के लिए सादर नमन कर रहे हैं। और धन्यवाद। और किसी का विचार है या आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप कैमरे पर रिक्वेस्ट भेजिए, हम ऐड कर लेंगे, लेकिन समय समाप्त होने वाला है। दीदेवार जी से अंत में यही प्रश्न आता है कई बार कि जब हम लोग अच्छी बातों की चर्चा करते हैं, हर तरीके से सकारात्मक चीजों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, तो आज लोगों का इंटरेस्ट किस दिशा में है और लोग विचार शून्य भी हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि लोग और स्वयं पत्रकार भी विचार शून्य हैं। वो आपने कहा कि अपने भीतर झांको, लेकिन पत्रकारिता में ज्यादातर देखा जा रहा है कि अपने पर, प्रेम भाटिया जी जो योगी कवि हैं उन्होंने भी कहा कि पत्रकार अपने बारे में कम सोचते हैं, नहीं अपना ध्यान नहीं रखते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं। तो ये तालमेल कैसे होगा कि दीदेवार भी बने, लोग स्वयं को जाने पहचाने, इसके लिए क्या अभियान चलाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं सिर्फ हर पत्रकार से सिर्फ ये निवेदन करता हूं, पत्रकार तेरा जीविका का साधन है, तेरा व्यवसायिक एक क्रिया है कि तुझे न्यूज जो है एज इट इज देनी है, वो गलत है या सही है, मगर न्यूज देने से पहले सिर्फ अपने आप से ईमानदारी कर ले कि ये न्यूज अगर मेरे को मिल जाए तो मेरे जीवन में ये अच्छा प्रभाव डालेगी या बुरा प्रभाव डालेगी। सत्य जो है छुपाना, झूठ भी बहुत अच्छा सत्य हो जाता है और सत्य को छुपाना भी अच्छी बात होती है, कौन सा सत्य हमें प्रकट करना है। हर जब भी पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो शादी की प्रक्रिया करने के बाद उन्हें एक हनीमून के लिए भेजा जाता है और सबको पता है क्या होना होता है, तो क्या हम उसे विशेष तौर पर बताते हैं? कुछ सच्चाइयां जो है पर्दे में रहती हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, हर सच्चाई को नहीं बताना। ये हर पत्रकार अगर स्वयं से प्रश्न कर ले क्या ये सच्चाई समाज के लिए हित में है कि नहीं है, वो चंद दिनों के लिए कुछ पैसे के लिए टीआरपी के लिए काम करेगा, यकीन मानिएगा कि आने वाली जनरेशन के लिए समाज दूषित कर रहा है। अगर वो आज सही रहेगा तो अपने बच्चों के लिए, सबके लिए वो कितना बड़ा संगठित होगा। दीदेवार ने जीवन के अंदर उसी परिवेश में रह रहा है, मेरे पास भी वही घटना आता है, मैं पारिवारिक भी हूँ, संसारिक भी हूँ, व्यवसायिक भी हूँ, हर राजनीतिक भी बात करता हूँ और प्रिंटर भी रहा हूँ और बहुत बड़े पब्लिशरों से रहा हूं, पत्रकारिता से भी रहता हूं, मगर मैंने सबसे पहले यह देखा है कि यह खाना कैसा है। आज मुझे ये तो समझ आ गई है कि मुझे पानी कौन सा पीना है, पोल्यूटेड लेना है या आरोग्य लेना है, पर मैं कानों के द्वारा या आंखों के द्वारा कौन सा आहार ले रहा हूं जो मेरे जीवन के लिए या मैं किसी को जीवन के दे रही है। हर पत्रकार यह समझ पाएगा तो समस्या का समाधान एक सेकंड के अंदर है, मगर जो कह रहा है यकीन कैसे होता है प्रकृति ने हमसे,
जो जो भी गलत प्रतिकार कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका पारिवारिक अच्छा नहीं होगा, उनके घरों में बहुत क्लेश हुए होंगे, वो सिर्फ एक ही डोर पर जान रहे हैं, वो अपने मैं को पहचान लें कि मेरे मैं के साथ जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उन पे क्या ग्रहण है, और वो मान लें, और जो भी गलत प्रक्रिया कर रहा है वो दिखने में अच्छा लग रहा है पर उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत दुर्बल होगा। ऐसी समस्या मेरे पास कई पत्रकार और मीडिया के लोग भी आते हैं और मैंने उसे कहता हूं दिशा बदल ले, वो अपनी मजबूरी बताते हैं, मैं क्या मजबूरी है तो अपने भीतर मत लाएं, परिवार के साथ मत जाएं, और आप उतना कर सके अपने से ईमानदारी करें, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, पैसा तो एक सीमा के बाद ग्रहण है, तुम्हारी जरूरत पूर्ति है, 10 में से 8 प्रॉब्लम जिसके घर में पैसा आता है वहीं समाप्त हो जाती है, बच्चे की फीस है, माँ बाप का दवाई का इलाज है, मकान का किराया, पर जो पैसा अधिक आने के बाद जो समस्या आती है ये इन लोगों के घर में आए, हर जिसके घर में अधिक पैसा आया वो समस्या है, उसका भी समाधान अलग तरीके से है। आपका प्रश्न पत्रकारिता से है, मैं कह रहा हूं कि जब भी करें आप उसका रीडर बनकर लिसनर बनकर समझे कि मेरे लिए ये जीवन के अंदर है, आप गिवर ना बने टेकर बन के सोचेंगे तो गिवर आप सही बन पाएंगे, ये मेरा निवेदन हर पत्रकार से है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय तो हो चुका है लेकिन ये दूसरे पार्ट में करना पड़ा। दीदेवार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग जुड़े हैं लास्ट में जुड़े हैं क्योंकि वो कल कर लेंगे, कोई नहीं, रोज आना, हफ्ते में 3 दिन आना है, टाइम का भी सीमा रखें 8 से 9 का है, फिर बाकी कल करेंगे क्योंकि एक हर एक चीज का सबका अपना व्यक्तिगत समय भी होता है। धन्यवाद, धन्यवाद। किसी वजह से पहला पार्ट जो है वो व्यवधान आ गया था और आप लोगों को जुड़ने में फिर समय भी लग गया, थोड़ा सा समय मैं दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास 2 ही ऑप्शन आए हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को ट्राई कर लेते हैं, आज उनकी लघु कथा प्रसारित की गई है और प्रभारी हैं आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना बिहार हो गए हैं। प्रकाश झुनझुनवाला जी आप कनेक्ट हो गए हैं, सीधा आप बताएंगे छोटे शब्दों में आज की कहानी का। और आसिफ खान साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है आसिफ खान साहब जी, जय हिंद। झुनझुनवाला जी आप दिख रहे हैं, वंदे मातरम जी, बताएं आज जी, आज आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स को बताइए थोड़े से में आज की कहानी का, आज की कहानी के बारे में बताएं, आज की लघु कथा। स्वामित्व जी, चलिए ओम प्रकाश जी, आप लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क वीक है आपका, ओम प्रकाश जी आप थोड़ा रुक जाइए, आपका जो नेटवर्क है वो वीक है और जो है वो नेटवर्क जब सही रहता है तब जाकर आवाज आती है, लोग सुनते भी हैं, अभी कमेंट आ रहा है कि नेटवर्क वीक है। मैं और दूसरे किसी को करता हूं, धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की अच्छी प्रस्तुति दिया कीजिए और हम लोग वेट करते हैं, धन्यवाद।
और किन्हीं का नहीं आ रहा है, मैं आसिफ खान मैं ऐड कर रहा हूं आपको दो शब्द आज, चूंकि आपसे बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिसपे 3 पत्रकारों के साथ हमला हुआ है, 3 पत्रकारों पर हमला हुआ है और ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। कवरेज करते वक्त ये हमला हुआ है तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। घनश्याम तिवारी जी जुड़े हैं, आकांक्षा मन्ना जी जुड़ी हैं, सुमन कुमारी जी जुड़ी हैं, सुनीता राठी रंजन जी जुड़ी हैं। आसिफ खान साहब आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं। जी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर, कैसे हैं? खान साहब आपसे आपसे बात बहुत ही जरूरी है, अच्छा हुआ आप जुड़ गए हैं। मैं चाह रहा था, हालांकि शुरू में हमने चर्चा करी थी इस बारे में, देखिए एक तो उत्तर प्रदेश में चीरहरण हो गया, वो भी बड़े मतलब अच्छी बात नहीं है, महिलाओं के साथ इस तरह से छेड़खानी जो है, उनके वस्त्र फाड़ देना देना। दूसरी बात कि आज 3 पत्रकारों पे जो हमला हुआ है वो बड़े चैनल के पत्रकार कहे जाते हैं और तीनों पत्रकारों पे हमला हुआ है, अलग अलग लोगों ने किया है, बल्कि पुलिस के अधिकारी पर भी हमला हुआ है जी। तो ये सब मतलब इसको किस नजरिए से आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए पत्रकार तो के पास क्या होता है, उसके पास मोबाइल या कैमरा होगा या पेन होगा, एक पैड होता है, एक झोला होता है, हैं? उसको लेकर वो मार्केट में जाता है। अब क्या वो डंडा लेकर चले बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए? मतलब ऐसा जमाना कैसे आ गया है कि मतलब, और बड़ी बुरी तरह से मारा गया है, उसका वीडियो वायरल हुआ है, हम यहाँ पे वीडियो जी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पर आप एक पत्रकार होने के नाते और एक संस्थान चलाते हैं मीडिया का, तो आप क्या, क्योंकि हर आदमी को हम लोग कह रहे हैं कि इस पर चर्चा करो, फेसबुक पे लिखो कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ताकि सरकार पे दबाव हो। दबाव कैसे बनेगा, जब पब्लिक बोलेगी तभी तो दबाव बनेगा। जी जी स्वागत है जी जी। आपने बिल्कुल मन्ना जी सही कहा कि वाकई पत्रकारों के ऊपर जो हमले हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी तरीके से हमारे देश के किसी भी नागरिक पे या विदेश के किसी भी नागरिक के साथ में इस तरीके की अगर घटना घटती है तो वो निंदनीय होती है, पहली बात। दूसरी बात, उससे बड़ी घटना ये है कि हमने एक वीडियो ऐसे भी देखे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही पुलिस के ऊपर भी हमले हुए, और उससे बड़ी बात यह है कि उनके साथ में, आवाज आ पा रही है मेरी? जो पुलिस के साथ में जो लोग हमले कर रहे हैं और एक महिला के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, और वहीं एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है कि जो पुलिस और पब्लिक है वहां पर एक व्यक्ति ने असला लगा रखा है अपने पीछे कमर के अंदर और पुलिस वाले वो दूसरे बंदे के ऊपर हमला कर रहा है और उसको बचाकर छोड़कर जाने दे रहे हैं, जबकि पुलिस का काम ये होता है कि अगर कोई भी हो उसके पास में अगर असला लगा हुआ है तो उससे पूछताछ करे, उसकी जांच करे, इंक्वायरी करे, वो लाइसेंस ही है या विदाउट लाइसेंस ही है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर हमला होना, पत्रकारिता जो कर रहे हैं लोग और उनके ऊपर हमला होना, ये दो बड़ी चीजें हैं। पत्रकार भी अगर उसके ऊपर हमला होगा तो वो देश के उन लोगों के पास में जाएगा जिनके पास में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, और जब लॉ एंड ऑर्डर ही कोलैप्स होता हुआ नजर आए तो फिर पत्रकार कहाँ बचेगा, नेता कहाँ बचेगा और आम आदमी कहाँ बचेगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे, कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, खुलेआम वो कहीं पर भी कुछ कर दे रहे हैं, और हमारे जो पुलिस महकमा है वो मूक दर्शक बना है। उनकी भी मजबूरी समझ सकते हैं हम कि उनकी मजबूरी क्या रही होगी, वरना देश के अंदर इस तरीके से हमले हो जाना और आम बात हो जाना ये बहुत ही निंदनीय चीज है, और बहुत ही आगे के लिए इसके लिए हर इंसान को सोचना होगा, समझना होगा, खास तौर से पत्रकार लॉबी को और पुलिस को सोचना होगा कि अगर आज
गुंडों को इतनी खुली छूट है कि वो पुलिस के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर ये ना सोचें कि पत्रकारों के लिए खतरा है, पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा ये सब कुछ खतरा है। और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना पुलिस का काम है, और जो नेता है हमारे देश के, खास तौर से मैं बहुत साफ तौर से कहूंगा कि जो जो पुलिस जो कसम खाती है ना उसको याद करे, पुलिस एक जिम्मेदारी निभाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अपनी शपथ लेकर हमारे और आपके बीच होती है। लेकिन आज हमारे देश के ये दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं को कॉलर पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए था, कई बार हमारे पुलिसकर्मियों ने सल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। और रही बात पत्रकारों की, और पत्रकारों को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि जो वो पत्रकारिता कर रहे हैं, आखिरकार वो जो हमले हुए किस पत्रकारिता के लिए हुए हैं, जिस पत्रकारिता के लिए वो जर्नलिज्म में आए थे उस लिए हुए हैं। क्योंकि देखिए ऑनलाइन चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं, और भी बड़े चैनल हैं, जो एक आम आदमी आज यूट्यूब चैनल चला रहा है वो माइक लेकर जा रहा है, उसके ऊपर तो हमले नहीं है। आखिरकार ये सवाल उठता है कि जो बड़े चैनलों के पत्रकार हैं उनके ऊपर ये हमला क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत साफ है वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे, क्योंकि पत्रकार और जनता और जो कहते हैं हमारी सरकार उसके बीच में एक ब्रिज है, वो कहीं ना कहीं ब्रिज एक ओर झुक रहा है, ये कहना चाहूंगा। तो इसलिए जो पत्रकार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, आम जन के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, जो जिस जन के लिए उन्होंने पत्रकार बने हैं, क्योंकि सबसे ताकत ना तो बंदूक में मानी जाती है ना बदमाशी में मानी जाती है, जो सबसे बड़ी ताकत है वो कलम के अंदर है, कैमरे के अंदर है, माइक के अंदर है। लेकिन अगर कलम, माइक और आज यह डेमोक्रेसी का जिसे हम चौथा पिलर कहते हैं, अगर वो दरदरा रहा है तो ये देश के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी, तभी तो कहा गया है कि तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। आसिफ खान साहब, लाइव सुनने के लिए और पत्रकारिता पे, क्योंकि अहम सवाल आज उठ खड़े हुए हैं उस पर चर्चा करने के, पत्रकारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि तथ्य और सत्य आधारित यही है सकारात्मक पत्रकारिता, और इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, और इसको जनता पसंद भी करती है। तो आसिफ खान साहब, लेकिन ये आवाज उठनी चाहिए, ये विचार उठनी चाहिए, और पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं चाहे किसी के कहने से कर रहे हैं तो उसका असर पूरे पत्रकार जगत पे पड़ेगा। तो आपने अपने विचार को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और समय चूंकि ज्यादा हो चुका है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। जी 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 भारत दिवस जिसकी तैयारी चल रही है, क्या उसकी जानकारी आपको है? मन्ना जी, क्योंकि देखिए जब आपके लाइव होते हैं, अभी मैं रास्ते से आया हूँ और अभी मैं बिल्कुल जुड़ा हूँ आपसे, और जब भी आपकी लाइव देखता हूँ तो कुछ ना कुछ सकारात्मक विचार लोगों के सामने आते हैं। जी, मैं पढ़ पा रहा हूँ इस वक्त ऑनलाइन मीडिया फॉर वुमेन्स। जी, आरजेएस सकारात्मक सोच को साथ सकारात्मक भारत आंदोलन, जी आरजेएस सकारात्मक भारत दिवस का वेबिनार। जी जी, ये डेली मेडिकल एसोसिएशन में हुआ था 2019 में, उसके बाद पिछले साल जी 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 किया गया था, इस बार जी जी मैं मौजूद था उसमें। जी, बहुत बड़ा वेबिनार इस बार किया जा रहा है 24 जुलाई को 11 बजे महिलाओं के लिए है, और 12 बजे से फॉर ऑल है, सब लोगों के लिए है। और जी, उसमें हम लोग इस तरह का रख रहे हैं कि 2 मिनट के लिए आप भी आए और विचार व्यक्त करें, ऐसी संभावना बनाने की कोशिश हो रही है कि हम 2 मिनट सकारात्मक भारत आंदोलन की बात करें, क्योंकि ये जो देश में फैल रही है नकारात्मकता, क्योंकि पत्रकारिता पे भी सवाल उठाया आपने कि सत्य और तथ्य न देखकर एजेंडा चलाने लगते हैं लोग, उससे देश को भी खतरा है और स्वयं के लिए भी खतरा है, यही तो साबित हो रहा है ना कि स्वयं के लिए भी खतरा है। तो इस्तेमाल करें अपने जो भी शस्त्र है उसका इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग ना करें। मेरे ख्याल से इन विचारों के साथ सकारात्मक भारत आंदोलन पर बातचीत होगी। आप लोग 24 जुलाई को, महिलाएं जो है 11 बजे जुड़ेंगी और पुरुष जो है 12 बजे जुड़ेंगे, तो इसी तरह का लिंक जो है आप लोगों को भेजा जाएगा कि के लिए, और हम लोग ये इस बात की चर्चा करें, देश में स्थापित करें कि देश सर्वोपरि है, यही तो है सकारात्मक भारत आंदोलन, राष्ट्र प्रथम यही
यही तो, यही तो शुरुआत है जिसको आपने शुरू किया और हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, यही तो सकारात्मकता है कि अगर आपने बात की शुरुआत ही नहीं करी होती तो शायद ये चर्चा नहीं हो रही होती। तो इसके लिए मैं आपके और आपकी पूरी टीम और सकारात्मक भारत के इस आंदोलन के लिए और आरजीएस टीम के लिए ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिस शुरुआत को आप लोग हो रही है और जिस पर चर्चा हो रही है ये हमेशा होती रहे और आगे लोग जुड़ते चले जाएं और कारवां बनता चला जाए जिससे कि एक सच्चाई लोगों को नजर आती है, सकारात्मकता जो है वो लोगों को नजर आने लगती है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी आप जुड़ेंगे 24 जुलाई को समय निकालिएगा। और जाते जाते एक टेक्निकल पॉइंट बताइए कि लोग कई बार वो जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं फेसबुक लाइव में, जी उन लोगों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसके लिए समझा कि मैं ये लोगों को टेक्निकल चीज बताऊं। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो आप अगर वीक नेटवर्क एरिया में हैं या जिनसे आप जुड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में आना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो लोग वाईफाई में हैं, वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उनका मोबाइल है उसको फ्लाइट मोड पे कर दें जिससे कि उनकी नेटवर्क स्ट्रेंथ, और बीच बीच में मेरे पास भी दो बार कॉल आ चुकी है उससे वो जो आपकी और हमारी लाइव है वो इंटरप्ट नहीं होती है और जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो अच्छी मिलती है। दूसरी बात जो नीचे एक ऑप्शन आता है, नीचे ऑप्शन आता है, कई बार लोग जो होते हैं वो अपने मोबाइल को वर्टिकल या हॉरिजेंटल करने पे लॉक कर देते हैं तो इस वजह से जैसे कि मैं आपको बताऊं इस तरीके से होगा तो वो जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे जब तक वो लाइव पे नहीं जुड़ पाएंगे। तो जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के लिए एक मोबाइल के अंदर ऑप्शन दिया जाता है जिसके अंदर रोटेट होता है, जो रोटेशन है उसको ऑन करना जरूरी होता है कि अगर आपने रोटेशन को लॉक किया हुआ है तो कई बार वहां पे दिक्कत आ जाती है जिस वजह से लाइव के अंदर नहीं जुड़ पाते क्योंकि आपका फ्रेम 1.1 का है, मेरा फ्रेम 1.1 का है। अगर किसी ने अपने मोबाइल के रेशो को 16.9 या 9.16 पे कर रखा है तो वो रेशो मैच नहीं करता है, इस वजह से वो डिक्लाइंट हो जाते हैं। तो 1.1 पे अपना रेशो रखें, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है आजकल, लेकिन अगर कोई मैनुअली उसको चेंज कर देता है तो वहां दिक्कत आ सकती है। तो 1.1 का अगर रेशो रखेंगे आप अपने कैमरे का या फ्रेम का तो इजीली हम लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि फेसबुक लाइव पे जो भी बीच में दो लोगों की बातचीत होती है तो 1.1 के फ्रेम पर होती है या 16.9 का फ्रेम होता है जो हम पूरे फ्रेम पे देख रहे हैं आपको। तो इस वजह से अगर आप बाय डिफॉल्ट रखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो फ्लाइट मोड है अगर आप वाईफाई में है तो फ्लाइट मोड को ऑन कर लें, और अगर आप फ्लाइट मोड में वाईफाई में नहीं है तो अगर आप फ्लाइट मोड को ऑन करेंगे तो आप डाटा से कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर लाइव नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी लाइव पर जुड़ने के लिए। जी तो आसिफ खान साहब इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो कट है अलग से इसका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और अलग से ग्रुप में डाल दिया जाएगा, बहुत से लोगों जी जी कि वो जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये टेक्निकल असिस्टेंस और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत। अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, अनुराग तिवारी जी जुड़े हैं, अनुराग तिवारी जी सकारात्मक भारत आंदोलन के फेसबुक लाइव में आप जुड़े हैं और फेसबुक पे अगर जुड़े हैं आप तो सकारात्मक भारत आंदोलन का उदय मन्ना पे जाकर इसको फिर से आप सुन सकते हैं। वैसे हमने इसको जी मन्ना जी ग्रुप में शेयर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे, मुझे इजाजत, धन्यवाद आपका आशीष खान साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुराग तिवारी जी, अब्दुल अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई? बिल्कुल आपकी दुआ है, आप सबों की दुआ है। और मैं जानकारी देना चाहूंगा आरजेएस फैमिली का कि ये फेसबुक लाइव जो है वो सब जगह शेयर कर, डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी आप सुन रही थी, अच्छा तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। आपके बारे में तो हम लोगों ने फेसबुक लाइव में चर्चा की थी, आपकी कविता भी सुनाई थी जिस दिन आपका फेसबुक लाइव हुआ था, 7 बजे से था तो 8 बजे फेसबुक लाइव था उस दिन, तो हम लोग उस दिन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे, चूंकि आप लोग सब ग्रुप में हैं, 8 बजे से 9 बजे का स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा क्योंकि समय की एक सीमा होती है और कोई कभी भी जुड़ जाएगा तो फिर अनकंफर्टेबल महसूस
हो जाता है आदमी, क्योंकि समय चूंकि बीच में ब्रेक आ गया था, तो इसलिए आज का लाइव जो है देखिए 20 मिनट ऊपर तक चला गया है। लेकिन हम लोग आपसी सहयोग के द्वारा, क्योंकि ग्रुप में रिमाइंड कर दिया जाता है कि आज फेसबुक लाइव है, वैसे भी याद रखें आप अगर जुड़ना चाहते हैं और आरजेएस फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें देश भर के लोग जुड़ते हैं, तो मैं आज माफी चाहूंगा, लेकिन कल आप लोग चूंकि संडे भी है और आप लोग समय निकालें तो 8 बजे से 9 बजे बहुत कम जानकारी दी जा रही है आजकल। आजकल चूंकि वेबिनार की तैयारी चल रही है और 24 जुलाई जो है उस दिन महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जा रहा है। ये आरजेएस में पहली बार जो है महिलाओं के लिए विशेष वेबिनार 11 बजे से शुरू किया जाएगा और 1 घंटे के अंदर महिलाओं की शंकाओं और का समाधान किया जाएगा, और उसके बाद 12 बजे ये सबके लिए होगा, मतलब जो महिलाएं जुड़ी होंगी वो 12 बजे के वेबिनार में भी जुड़ सकती हैं, लेकिन 11 बजे के वेबिनार में मॉडरेटर भी महिलाएं होंगी और स्पीकर भी महिलाएं होंगी। सब तरीके से ये महिलाओं का प्रोग्राम है और इस महिला के प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही हैं और तैयारी कर रही हैं सुमन कुमारी जी और डॉक्टर पुष्कर बाला जी, ये नाम याद रखिए आपके ही ग्रुप में है और आरजेएस के 2 महिलाओं का ग्रुप बन गया है, ये एडमिन है। नीरा अरोड़ा जी भी रहेंगी, नीरा अरोड़ा जी भी रहेंगी, और परिचय बता देते हैं कि जो सुमन कुमारी जी हैं वो जो हैं वो एक अभिप्सा संस्था चलाती हैं पटना में, और एक नंबर जो महिलाओं का ग्रुप है उसकी एडमिन है और इसकी तैयारी कर रही हैं कि महिलाओं का वेबिनार सफल हो, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा महिलाओं का ये वेबिनार बन जाए, ये आरजेएस की तरफ से इच्छा व्यक्त की गई है और उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। और डॉक्टर पुष्कर बाला जो है वो सूचना केंद्र की प्रभारी भी हैं और महिला ग्रुप की एडमिन है जो कि महिला कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। इसके साथ साथ YWCA की जो क्षेत्रीय प्रभारी थी YWCA दिल्ली नीरा अरोड़ा जी, बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो वो महिलाओं के वेबिनार को देख रही हैं, डॉक्टर पुष्कर बाला जी देख रही हैं, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना सूचना केंद्र जो आरजेएस का है उसके प्रभारी हैं, उनकी देखरेख में ये पहला महिलाओं का ग्रुप की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर महिलाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से ये प्रोग्राम सुपुर्द किया गया है और अच्छा है, लगेगा, महिलाएं जरूर सफल होंगी, हम लोगों की दुआ है। तो सब लोगों को अब्दुल अजीज साहब, आसिफ खान साहब, वैभव भारद्वाज जी, आकांक्षा जी, दीप माथुर जी, सुनीता रंजन राठी जी और तमाम पिछले डॉक्टर पुष्कर बाला जी, मीता सहाय जी, काफी लोग, राजाराम जी दमन दीव से हैं, ओम हरी जी आज आपसे बात नहीं हो पाई, और दीप माथुर जी भी जुड़े हैं, आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं। तो अब जय हिंद जय भारत कहेंगे यही कहते हुए कि आप लोग 8 से 9 के बीच में ही जुड़ें, जब समय हो समय निकालें। कुछ सवाल आया है, दीप माथुर जी लिख रहे हैं, महिलाओं के विशेष ग्रुप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सब आपके मार्गदर्शन में ये सफलता मिल रही है और भारत को हम लोग सकारात्मक संदेश देने में महिलाओं को आगे कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि महिला शक्ति आरजेएस के साथ जुड़ चुकी है और 20 जुलाई तक 200 का लक्ष्य है कि दोनों ग्रुप में 200 महिलाएं रहेंगी। अभी नया जून में ही ये ग्रुप बनाया गया है और धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप लोग सकारात्मक रहिए, ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है ये बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, ये काफी दूर तक आवाज जा चुकी है, लोग जान गए हैं कि सकारात्मकता क्या चीज है और यही लक्ष्य है सकारात्मक भारत आंदोलन का। और सकारात्मक भारत दिवस 24 जुलाई को होगा, तो इसमें पहली बार हम लोग विषय जो है वो सकारात्मक भारत आंदोलन ही रख रहे हैं कि इस आंदोलन से संबंधित ही बातचीत की जा सके, यानी सकारात्मक बातचीत की जा सके। स्वास्थ्य की भी बात करेंगे लेकिन उसमें सकारात्मक भारत आंदोलन भी जुड़ा हुआ रहेगा। और राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार जो 23 मार्च को हम लोगों ने थीम लिया था, इसी के इर्द गिर्द बातचीत होगी, पारिवारिक बातचीत होगी। और हम लोग 2-2 मिनट के लिए अपनी तैयारी करते रहे अभी से, हमें 2 मिनट का समय मिलेगा और 2 मिनट में हमें जो कहना है उसकी तैयारी करेंगे, कौन से ऐसे शब्द कहने हैं, और पूरा भारत जुड़ेगा इसमें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को जोड़ने का अभियान है
और लोगों से बातचीत हो रही है। इसके अलावा एक और जानकारी देना चाहेंगे, 2007 सकारात्मक भारत आंदोलन का जो बीजारोपण हुआ था वो 2007 से हुआ था और 2014 तक कई तरह के कार्यक्रम, तो उसके जो आयोजक हैं, जो सबकी अपनी अपनी अलग अलग संस्थाएं हैं जिसका संयोजन जो है वो उदय कुमार मन्ना के संयोजन में वो कार्यक्रम हुए थे, उसके भी आयोजक जो हैं वो इस वेबिनार में जुड़ेंगे। तो ये एड ऑन होता जा रहा है। तो अभी जय हिंद जय भारत करते हुए 24 तारीख की सफलता की कामना हम सब करें, क्योंकि यही है राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। कल मिलते हैं सायं 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक का निर्धारित कार्यक्रम होगा, एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, तो इसका ध्यान रखें आप। आज बीच में लाइट चली गई थी इसलिए दूसरे पार्ट में आप लोग जुड़े हैं, पहला पार्ट स्टॉप हो गया था किसी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो आज आपको किस तरह से आप लाइव जुड़ सकते हैं, आसिफ खान साहब ने इसमें जो बताया है इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको तुरंत ग्रुप में मिल जाएगी, और ये लाइव एक पार्ट आपका ग्रुप में मिल गया है, दूसरा पार्ट भी YouTube पे लगाकर भेज दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत।